आज मानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रही, तो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे, इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर थी उसको डिसमिस। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और जो पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिला था उस अधिकार को उच्च न्यायालय बरकरार रखा है। जिला जज के द्वारा सही फैसला दिया गया और सही बात है कि 93 तक वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी, उसको जबरदस्ती बिना किसी कानून के बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था। देखिए इसको जीत या हार के पक्ष में नहीं लेना चाहिए। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट। विष्णु जी, जो व्यास तहखाने आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए इसमें जो आधार बना है मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहाँ पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे, इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी नहीं, एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और जो पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिला था उस अधिकार को उच्च न्यायालय बरकरार रखा है। जिला जज के द्वारा सही फैसला दिया गया और सही बात है कि 93 तक वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी, उसको जबरदस्ती बिना किसी कानून के बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी है।